दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं आपके बीएससी थर्ड ईयर सिक्स सेमेस्टर बॉटनी का जो पेपर फर्स्ट है, जिसका टाइटल है साइटोजेनेटिक्स प्लांट ब्रीडिंग एंड नैनो टेक्नोलॉजी। इसके यूनिट टू का एक टॉपिक है सेक्स डिटर्मिनेशन इन प्लांट। तो ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक पर बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं और चूँकि ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इसलिए मैं इस टॉपिक पर आज डिस्कस करूँगा। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, पूरा देखिएगा, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो सेक्स डिटर्मिनेशन होता क्या है पहले ये समझते हैं। तो सेक्स डिटर्मिनेशन का मतलब ये है कि हम कैसे डिफरेंशिएट कर पाते हैं कि जो पर्टिकुलर इंडिविजुअल है वो मेल है या फिर फीमेल। तो मेल और फीमेल सेक्स को डिटरमाइन करने का जो तरीका होता है उसी को हम बोलते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन। तो यदि अगर हम बात करें प्लांट की, तो प्लांट में जो सेक्सुअल पार्ट होते हैं यानी कि जो मेल और फीमेल होते हैं वो पाए जाते हैं फ्लावर में। तो फ्लावर प्लांट का सेक्सुअल पार्ट है। अब इसमें भी कुछ कंडीशन है, जैसे कि अगर हम बात करें मोनोसियस की, आपने सभी ने मोनोसियस, डायोसियस, बायसेक्सुअल, हर्माफ्रोडाइट ये सभी टर्म सुने होंगे। तो इनमें क्या डिफरेंस है आज मैं आपको पहले ये समझा देता हूँ, फिर उसके बाद आगे हम लोग कैसे सेक्स को डिटरमाइन करते हैं उसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मोनोसियस की। तो मोनोसियस में क्या होता है कि मेल और फीमेल जो होते हैं सेम प्लांट पर पाए जाते हैं, लेकिन जो फ्लावर होता है वो डिफरेंट होता है। जैसे कि ये मेल फ्लावर है, ये फीमेल फ्लावर है, तो ये मेल और फीमेल अलग अलग फ्लावर पर है, लेकिन जो प्लांट है वो सेम है, यानी एक ही प्लांट पर मेल और फीमेल अलग अलग फ्लावर पर पाए जाते हैं। वही बात करें हम डायोसियस की, तो इस केस में मेल और फीमेल फ्लावर जो होते हैं वो डिफरेंट प्लांट पर पाए जाते हैं। अब देखिए बाइसेक्सुअल और हर्माफ्रोडाइट क्या होते हैं। जब मेल और फीमेल एक ही फ्लावर में होते हैं यानी कि एक ही प्लांट के एक ही फ्लावर में होते हैं तो उसे हम बाइसेक्सुअल या फिर हर्माफ्रोडाइट बोलते हैं। तो यहाँ पर एक ही फ्लावर में आप देख सकते हैं मेल और फीमेल दोनों है। देखिए आपके एग्जाम में इनसे क्वेश्चन नहीं आता, क्वेश्चन आता है एंड्रोमोनेसियस क्या होता है, गाइनोमोनेसियस क्या होता है, ट्राइमोनेसियस क्या होता है। तो यदि हम बात करें एंड्रोमोनेसियस की, तो नाम से जाइए एंड्रो का मतलब क्या होता है, मेल। तो इसमें क्या होते हैं, मेल होते हैं और बाइसेक्सुअल फ्लावर होते हैं। वहीं हम बात करें गाइनोमोनेसियस की, तो गाइनो का मतलब क्या है, फीमेल है, तो इसमें फीमेल होते हैं और बाइसेक्सुअल फ्लावर होते हैं। वहीं हम बात करें ट्राइमोनेसियस की, इसमें मेल, फीमेल और बाइसेक्सुअल ये तीनों ही तरह के फ्लावर होते हैं। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं कि सेक्स डिटर्मिनेशन में डिफरेंट साइंटिस्ट का क्या कंट्रीब्यूशन था। तो 1902 में एक साइंटिस्ट थे सीई मैकलंग। तो इन्होंने क्या किया था कि सबसे पहले ग्रास ऊपर में सेक्स क्रोमोसोम को आइडेंटिफाई किया था। वहीं 1917 में सीई एलिन ने प्लांट में सेक्स डिटर्मिनेशन को डिस्कवर किया था। वहीं हम बात करें 1922 में सीबी ब्रिजेस, इन्होंने सेक्स डिटर्मिनेशन का जेनिक बैलेंस थ्योरी दिया था। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं कि पौधों में सेक्स डिटर्मिनेशन के कौन कौन से मैकेनिज्म है, यानी कि किन तरीकों से हम पौधों में सेक्स को डिटरमाइन कर सकते हैं। तो पौधों में सेक्स डिटरमाइन करने के तीन इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है। पहला है इन्वायरमेंटल सेक्स डिटर्मिनेशन, दूसरा है क्रोमोसोमल सेक्स डिटर्मिनेशन, तीसरा है जेनिक सेक्स डिटर्मिनेशन। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं इन्वायरमेंटल सेक्स डिटर्मिनेशन की। तो कुछ पौधों में क्या होता है कि इन्वायरमेंटल कंडीशन डिटरमाइन करता है, यानी कि वो इफ़ेक्ट डालता है कि उस पौधे में मेल होगा या फिर फीमेल। जैसे अगर हम बात करें इक्विसिटम की, तो इक्विसिटम में क्या होता है कि अगर ये पौधा ऑप्टिमम कंडीशन में यानी कि अनुकूल परिस्थिति में ग्रो करता है तो उस केस में इसमें फीमेल प्लांट ग्रो होते हैं, लेकिन अगर कंडीशन एडवर्स होता है यानी कि अनुकूल परिस्थिति नहीं होता तो उस केस में इस पौधे में मेल प्लांट प्रोड्यूस होते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इन्वायरमेंटल कंडीशन इफ़ेक्ट डाल रहा है। अगर इन्वायरमेंटल कंडीशन अच्छा होता है तो इक्विसिटम के जो पौधे होते हैं वो फीमेल होते हैं, लेकिन अगर इन्वायरमेंटल कंडीशन सही नहीं होता है तो इक्विसिटम के जो पौधे होते हैं वे मेल होते हैं। इसके अलावा और भी एग्जांपल हैं, जैसे कि कुकुम्बर है, मेलन है, कैनाबीज है, इसमें जो होते हैं फ्लावर इफेक्ट होते हैं मेनी इन्वायरमेंटल फैक्टर, जैसे कि टेम्परेचर, डे लेंथ, इथाइलिन, जिब्रेलिन और जो अदर आयन है जैसे कि कैल्शियम, मैग्नीशियम, इससे भी मेल और फीमेल इंड्यूस होते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें कैनाबीज की, तो अगर हम GA3 से अगर इसे ट्रीट करते हैं तो इसमें केवल फीमेल फ्लावर होते हैं। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं क्रोमोसोमल सेक्स डिटर्मिनेशन की। तो आप सभी ने पढ़ा होगा कि ऐसे क्रोमोसोम जो कि मेल और फीमेल में सेम होते हैं
यानी कि वो मार्फोलॉजिकली और नंबर सेम होते हैं तो उन्हें बोलते हैं ऑटोसोम्स। और ऐसे क्रोमोसोम जो कि मार्फोलॉजिकली और नंबर में मेल और फीमेल में अलग अलग होते हैं, ऐसे क्रोमोसोम को हम सेक्स क्रोमोसोम या एलोसोम्स कहते हैं। तो अगर हम पौधों में क्रोमोसोमल मैकेनिज्म को देखें सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए, तो इसमें दो कैटेगरी है, यानी कि क्रोमोसोम के अकॉर्डिंग दो कैटेगरी डिसाइड की गई है। एक है होमोमॉर्फिक सेक्स क्रोमोसोम और दूसरा है हेट्रोमॉर्फिक सेक्स क्रोमोसोम। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं होमोमॉर्फिक क्रोमोसोम की। तो होमोलॉगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम अगर मॉर्फोलॉजिकली आइडेंटिकल मेम्ब्रेन में पाए जाते हैं तो उन्हें हम बोलते हैं होमोमॉर्फिक क्रोमोसोम। अब होमोमॉर्फिक क्रोमोसोम की दो कैटेगरी है। पहले कैटेगरी में क्या है कि जो फीमेल हैं वो होमोगैमेटिक है, यानी कि एक ही प्रकार के गैमेट बनाते हैं, जबकि फीमेल जो होते हैं हेट्रोगैमेटिक होते हैं, यानी कि ये दो तरह के गैमेट बनाते हैं। जैसे कि हम लोगों के मेल में देखा जाए जो फीमेल होते हैं एक्स एक्स क्रोमोसोम है, जबकि मेल जो है वो एक्स वाई है, यानी कि दो तरह के गैमेट बनाते हैं। दूसरी जो कैटेगरी है होमोमॉर्फिक क्रोमोसोम की, वो है जिसमें कि जो मेल है वो होमोगैमेटिक है और जो फीमेल है वो हेट्रोगैमेटिक है। जैसे कि बर्ड्स में हम लोगों ने देखा था कि जो बर्ड्स होते हैं उसमें फीमेल जो होती हैं वो दो तरह के गैमेट बनाती हैं। तो आइए एग्जांपल देखते हैं, चूंकि हमें प्लांट के बारे में पढ़ना है तो यहाँ पर हम प्लांट का एग्जांपल देखेंगे। तो होमोगैमेटिक फीमेल और हेट्रोगैमेटिक मेल की बात करें तो उसमें सबसे पहला एग्जाम्पल हम लेते हैं स्पिनच, यानी कि पालक। तो स्पिनच की एक जाति है ओलेरेसी, जिसमें कि जो फीमेल है वो होमोगैमेटिक होते हैं और जो मेल होते हैं वो हेट्रोगैमेटिक होते हैं। तो जैसे कि हम लोगों के केस में एक्स और वाई, यहाँ पर वाई डिसाइडिंग होता है, उसी तरह इनमें भी जो वाई क्रोमोसोम है वह सेक्स डिटर्मिनेशन क्रोमोसोम होता है। उसी तरह दूसरा एग्जांपल जो है वो है एस्परेगस। तो इसमें भी एक्स और वाई क्रोमोसोम मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर होते हैं, बट वाई क्रोमोसोम डिटरमाइन करता है सेक्स को। चलते हैं दूसरे टाइप की ओर, जिसमें कि होमोगैमेटिक मेल है जबकि फीमेल जो है हेट्रोगैमेटिक है। तो इसका जो बेस्ट एग्जांपल है वो है फ्रेगेरिया एलेटेरिया, जिसे हम स्ट्रॉबेरी बोलते हैं। तो इस केस में जो मेल होता है वो होमोगैमेटिक होता है, यानी कि इसमें एक्स एक्स क्रोमोसोम पाए जाते हैं, जबकि जो फीमेल होता है वो हेट्रोगैमेटिक होता है और फीमेल में एक्स वाई क्रोमोसोम पाए जाते हैं। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं हेट्रोमॉर्फिक सेक्स क्रोमोसोम की। तो इसमें जो क्रोमोसोम पेयर होते हैं वो मॉर्फोलॉजिकली आइडेंटिकल नहीं होते, तो इस तरह के क्रोमोसोम को हम बोलते हैं हेट्रोमॉर्फिक क्रोमोसोम। तो इस तरह के क्रोमोसोम पेयर में क्या होता है कि ये होमोलॉजिकली सिमिलर होते हैं, बट साइज शेप और अगर इनकी स्टेनिंग प्रॉपर्टी देखा जाए तो इसमें ये एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। तो हेट्रोमॉर्फिक सेक्स क्रोमोसोम में तीन सिस्टम होते हैं। पहला जो है जिसमें कि एक्स एक्स फीमेल और एक्स वाई मेल होता है। तो इस तरह का एग्जांपल हमें किस में देखने को मिलता है, कैनाबिस सटाइवा, कॉक्सिनिया इंडिका, ह्यूमिलस ल्यूपुलस, रूमेक्स हास्टा ल्यूटिलस, साइलेंट लेटिफोलिया और साइलेंट डायोका। तो हेट्रोमॉर्फिक में देखा जाए तो जो एक्स वाई यानी कि मेल है, तो इसमें जो वाई क्रोमोसोम होता है एक्स के कंपैरिजन में लार्ज होता है और इनमें जो सेक्स डिटर्मिनेशन होता है वो जेनिक बैलेंस थ्योरी पर आधारित होता है। चलते हैं हेट्रोमॉर्फिक के अगले कैटेगरी की ओर, जिसमें कि एक्स एक्स फीमेल होगा जबकि मेल एक्स वाई वन और एक्स वाई टू होते हैं। तो इसमें जो पोलन ग्रेन होते हैं इसमें दो तरह के वाई क्रोमोसोम होते हैं, एक होता है एक्स वाई वन और दूसरा होता है एक्स वाई टू। तो इसमें होगा क्या कि अगर फीमेल का एक्स है और मेल का एक्स है तो वो बनाएंगे फीमेल, यदि फीमेल का एक्स क्रोमोसोम है और मेल का वाई वन या वाई टू है तो बनाएगा मेल। एग्जांपल की बात करें तो ह्यूमिलस जापोनिकस और दूसरा एग्जांपल है रूमेक्स हास्टाटुलस। हेट्रोमॉर्फिक का जो तीसरा केस है, जिसमें कि एक्स वन फीमेल या फिर एक्स टू फीमेल, वहीं जो मेल होंगे वो एक्स वन एक्स टू या फिर वाई वन वाई टू होंगे, और ये एग्जांपल देखने को मिलता है ह्यूमिलस ल्यूपिलस में। तो आइए समझते हैं कि जेनिक बैलेंस सिस्टम क्या होता है। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि जेनिक सेक्स डिटर्मिनेशन अलग होता है और जेनिक बैलेंस सिस्टम अलग होता है। तो ये जो सिस्टम था वो सबसे पहले डेवलप किया गया था ब्रिजेस के द्वारा 1922 में ड्रोसोफिला में। तो इसमें होता क्या है कि इसमें रेशियो निकाला जाता है, यानी कि सेक्स इंडेक्स निकाला जाता है, जिसमें कि हम नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम
को डिवाइड करते हैं नंबर ऑफ ऑटोसोम से, यानी कि नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम और नंबर ऑफ ऑटोसोमल सेट ऑफ क्रोमोसोम के रेशियो को हम बोलते हैं सेक्स इंडेक्स। तो आइए सेक्स इंडेक्स को समझते हैं। तो अगर सेक्स इंडेक्स में देखा जाए, जैसे यहाँ पे आप नीचे टेबल देख सकते हैं, तो यदि किसी प्लांट में देखा जाए तो उसमें दो ऑटोसोम्स और दो एक्स क्रोमोसोम हो तो उनका जो सेक्स इंडेक्स आएगा वो आएगा 1, ठीक है। तो यहाँ पर जो सेक्स होगा वो होगा फीमेल। अब यदि ऑटोसोम्स है 2 और क्रोमोसोम है एक्स वाई, तो उस केस में जो इंडेक्स आएगा वो आएगा 0.50, तो वो प्लांट कैसे होंगे, मेल होंगे। अब यदि ऑटोसोम 2 है, 3 है, 4 है, लेकिन जो सेक्स क्रोमोसोम है वो ट्रिप्लॉयड है, यानी कि एक्स एक्स वाई है, तो उस केस में जो सेक्स इंडेक्स होगा वो होगा 1, 0.67 और 0.50। तो ये जो प्लांट होंगे वो मेल होंगे, लेकिन ये कंडीशन ओकेजनली होता है। उसी तरह से ऑटोसोम्स हैं 4 और क्रोमोसोम है एक्स वाई, यानी कि अगर देखा जाए तो 1/4 का रेशियो आएगा, 0.25 आएगा सेक्स इंडेक्स, तो इस केस में प्लांट क्या होगा, मेल होगा। अब इसके बाद ऑटोसोम्स 4 हैं लेकिन जो प्लांट है टेट्राप्लॉयड और पेंटाप्लॉयड है, तो टेट्राप्लॉयड के केस में जो सेक्स इंडेक्स है वो है 0.75, प्लांट जो है मेल, ये ओकेजनली होता है। उसी तरह पेंटाप्लॉयड में क्या है, सेक्स इंडेक्स क्या है, 1 है, और ये प्लांट हर्माप्रोडाइट होता है, और ये भी क्या होता है, ओकेजनली होता है। तो कभी कभी आपके एग्ज़ाम में जेनिक बैलेंस थ्योरी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसको याद रखिएगा, इसे किसने दिया था ये भी याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने दो सिस्टम को आज डिस्कस किया, एक तो था इन्वायरमेंटल फैक्टर जो कि प्लांट में सेक्स को डिसाइड करता है, उसी तरह दूसरा जो थ्योरी था वो था क्रोमोसोमल थ्योरी, जिसमें कि हमने देखा कि क्रोमोसोम के द्वारा कैसे सेक्स को डिटरमाइन किया जाता है प्लांट में। तीसरा है जेनिक थ्योरी, तो जेनिक थ्योरी के थ्रू हम कैसे सेक्स को डिटरमाइन करते हैं प्लांट में, इसे हम अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और कोई भी डाउट है आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।